राजेश कुमार गुप्ता गुप्ता जी, ये बताइए झारखंड का माहौल क्या है? झारखंड का माहौल देखने में तो लग रहा है कि हमारे बीजेपी से प्रकाश राम जी आएंगे लातेहार विधानसभा से। लातेहार क्या लगता है? अभी तो स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, जनता की बहुमत अभी आने में देर है, कुछ दो चार दिन और लगेंगे। ये झारखंड में किसकी संभावना है? संभावना देखिए ज्यादा जेएमएम की लग रही है। जेएमएम ज्यादा लग रही है जी। लातेहार में किसकी लग रही है? लातेहार में अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वैद्यनाथ राम फिर से विधायक बन सकते हैं। मतलब जेएमएम? जेएमएम जी बिल्कुल। यहाँ पे दो सपोर्टर है, प्रकाश राम कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है। बीजेपी आ रही है, आ रही है बीजेपी। ये 5 साल जेएमएम के अच्छे थे? 5 साल जेएमएम अच्छे थे, जेएमएम अच्छे हैं भी और उम्मीद है कि रहेंगे भी। जी नाम क्या आपका? रमेश कुमार अग्रवाल जी। ये गुप्ता जी और अग्रवाल जी दोनों किराए भैया, आपसे बात करते हैं, राशि एक ही है? नहीं नहीं राजेश, कोई बात नहीं है। तो क्या लगता है आपको जेएमएम में किस वजह से बदलाव चाहते हैं आप? जेएमएम में क्या मतलब, बेसिक काम जो धरातल पर होना चाहिए था 5 साल में नहीं दिखा है, जो वादे करके आए थे। हाँ बिल्कुल, अभी मैया सम्मान योजना से काम थोड़े चल जाएगा। वो 3 महीने पहले क्यों नहीं लाए, 5 महीने पहले क्यों नहीं आए? यही लाना था तो ठीक है, 2 साल कोरोना में गया, 2 साल कोरोना खत्म हुआ तो आना चाहिए था ना। परिस्थिति उस समय लोगों की खराब थी, आई ला रहे हैं इलेक्शन के 4 महीना पहले 2 महीना पहले। ये चुनावी जुमला तो नहीं है? बिल्कुल, मतलब चुनावी लॉलीपॉप है, खाइएगा। हालांकि लॉलीपॉप तो बीजेपी भी देने की कोशिश कर रही है, मतलब लुभावना। हाँ लुभाव, मतलब लुभाने के लिए, पब्लिक को लुभाना है, तो गोगो योजना कोई जरूरी नहीं है। धरातल पर काम होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, काम नहीं हो रहा है। काम कहाँ हो रहा है? बात करेंगे भैया, क्या माहौल है झारखंड का? ठीक है सर। किसकी संभावना है झारखंड में? रामचंद्र सिंह, हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी मैम जी, विधायक रामचंद्र सिंह जी। रामचंद्र सिंह मतलब मणिकापुर से हैं आप जी? मणिकापुर में जेएमएम की संभावना है, तो क्या लगता है ये जेएमएम में कौन कौन से काम? कांग्रेस है सर। अरे वो सरकार में तो शामिल होंगे ना, अकेले कांग्रेस सरकार कहाँ बना पाएगी? वो तो जेएमएम का सपोर्ट दिए हैं, तीनों पार्टी गठबंधन है, वो जानते हैं। बहुत कुछ काम किए हैं सर। कोई काम? बहुत कुछ काम किए हैं, बिजली माफ किए हैं, 1000 जो महिला के पैसा दे रहा है, किसान क्रेडिट भी बना चुके हैं किसान क्रेडिट। और कुछ? अभी तो बहुत काम किए हैं सर, उसका कोई गिनत नहीं हो सकता है। यही सरकार वापस चाहिए अब? जी सर। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? रमेश यादव। हेमंत जी फिर वापस आएंगे सर, विधायक रामचंद्र सिंह जी। भाजपा से कोई टक्कर नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो 23 बताएगा क्या है। ना वो भाजपा से कोई टक्कर नहीं है सर, उसका सामने कोई कुछ कह ही नहीं है सर। ठीक है, धन्यवाद। दादा क्या माहौल है झारखंड का? लातेहार से है? कहाँ रहते हैं? लातेहार में। क्या लगता है किसकी संभावना है? सरकार कौन बनाएगा यहाँ पे? हेमंत सोरेन चाहिए या बीजेपी चाहिए? अरे अभी मारेंगे तब ना, जब मारेंगे तब। अभी तो कोई पता नहीं है। अच्छा कुछ तो पता होगा ना, ये सरकार अच्छा काम किया या नहीं? ये सरकार अच्छा किया नहीं किया, खुश हो नहीं? कौन सरकार? हेमंत सोरेन से खुश हो नहीं हो? हेमंत सोरेन के काम से खुश हो नहीं हो? अरे जय भाजपा, कोई नहीं, वो अपने मन से बोले, छोड़िए, नहीं राय नहीं लेंगे अब उधर राय नहीं लेंगे भैया। एक मिनट भैया, क्या माहौल है झारखंड का? बनिए ना। हाँ किसकी संभावना है? किसकी संभावना है? सरकार कौन बनाएगा आपके साथ? कौन बनाएगा? मोदी बनाएगा। मोदी बनाएगा बीजेपी?